आज मैं आपको रियल हेड शॉट सेंसिटिविटी और सेटिंग बताता हूँ, जिसमें लो डिवाइस वाले जो प्लेयर है वो भी ऐसे ही हेड मारते हैं। क्यों उनके हेड लग रहे थे प्रैक्टिकल में आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले इस ट्रेनिंग राउंड में आना है, डिफिकल्टी 3 सिलेक्ट करना है, सेंसिटिविटी देख रहे हैं, टीपीपी नोस्कोप, ये जो हम थंब से राइट टू लेफ्ट एम को कंट्रोल करते हैं, ये जब हम फायर करते हुए कंट्रोल करते हैं। अगर जायरो प्लेयर है तो ये भी टीपीपी नोस्कोप, इसको कम कर लें। कम सेंसिटिविटी ये होती है कि बंदे के कंट्रोल में रहती है, उससे आप जहां एम रखना चाहे वहां पर रख सकते हैं। इस ट्रेनिंग राउंड में आओगे ना, सिर्फ बोट आपको जो मिल गया उनको सिर्फ हेड ही आपने मारना है। आपने एडीएस ओपन करके मारना है या आपने ऐसे ही क्रॉस हेयर रखना है, तो हेड लेवल पे ही रखना है। ये आपके मास्टर माइंड में आ गया ना कि मैंने क्रॉस हेयर हेड लेवल पे रखना है, तो फिर रैंडम जब आप टीडीएम प्ले करते हैं ना, रैंडम बंदे आपके आ रहे हैं, तो उस वक्त क्रॉस हेयर चेक करना बस किधर है मेरा, हेड लेवल पे ही है ना जब आप ज्यादा फाइट ले रहे हैं। बस ये सेंसिटिविटी और सेटिंग ट्राई करने के बाद रैंडम टीडीएम प्ले कर लें, उसमें ये ख्याल रखना है कि हेड पे एम करना, मैंने स्कोप ओपन करके या बिना स्कोप के। ये वाली सेंसिटिविटी प्रैक्टिस करने के बाद बस एक ही चीज आपने माइंड में रखनी है कि मेरा एम लेवल हेड पे ही होना चाहिए, उसके बाद चेक करना हेड लगते कैसे हैं।